नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज पटना के कर्पूरी सभागार में जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। आपको बताया कि इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह को ऑफिशियली बिछा दिया जाएगा, यानी आधिकारिक तौर पर ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर घोषित कर दी जाएगी। आपको बताया कि इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर तमाम जदयू के बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से लेकर आपको बताया कि जदयू के से बड़े बड़े जितने भी नेता हैं वो कर्पूरी सभागार में बैठे हैं, पहुँचे हैं, जदयू ऑफिस में पहुँचे हैं। आपको हम तस्वीरें और ये जो विजुअल्स है ये सीधे पटना के कर्पूरी सभागार यानी जदयू के ऑफिस से दिखा रहे हैं। देखिए कि जदयू के जितने बड़े तमाम नेता हैं वो इस मीटिंग में पहुँचे हुए हैं। ललन सिंह पहुँचे हैं, उपेंद्र कुशवाहा पहुँचे हैं, मंत्री संजय झा पहुँचे हैं। इन तमाम नेताओं ने बयान भी दिए हैं, कुढ़नी पर हार के लिए क्या रीज़न है इसका भी बयान दिया है। साथ ही साथ ये मीटिंग किस लिए बुलाई जा रही है इस पर भी तमाम नेताओं ने कहा। हम आपको विजुअल सीधे कर्पूरी सभागार से दिखा रहे हैं। देखिए कि तमाम जो जदयू के बड़े बड़े नेता हैं वो इस वक्त पटना के जदयू ऑफिस में पहुंचे हुए हैं और ये जो मीटिंग है ये होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुँचने वाले हैं। जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 10 दिसंबर यानी आज शनिवार को पटना में होनी है। पार्टी कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित इस बैठक को लेकर पूरे पटना में जदयू की ओर से बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं पार्टी कार्यालय में भी जोरदार तैयारी की गई है। जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक कई मायनों में बेहद अहम है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दोबारा चयनित राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के नाम की घोषणा की जाएगी। साथ ही कुढ़नी चुनाव उपचुनाव में मिली जदयू की हार के बाद भविष्य की रणनीति को तय करने के मकसद से भी यह बैठक बेहद अहम माना जा सकता है। जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में देश भर से नेता जुटेंगे। विभिन्न राज्यों के जदयू प्रतिनिधि पहले से पटना पहुँच चुके हैं। बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है इसमें महागठबंधन संघ बिहार में सरकार बनाने के बाद इसके दूरगामी असर पर मंथन सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही राष्ट्रीय मुद्दों पर भी इसमें चर्चा होगी। वहीं वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पूर्व पार्टी को देश भर में मजबूत करने के लिए ठोस रणनीति बनाने सहित गठबंधन की राजनीति में अन्य राज्यों में जदयू को विस्तार देने पर पार्टी अहम निर्णय ले सकती है। केंद्र की राजनीति में आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस प्रकार सर्वस्वीकार्य नेता के रूप में पेश किया जाए इसके ये भी पार्टी रणनीति सेट कर सकती है। तो देखिए शनिवार यानी आज पटना के कर्पूरी सभागार जो कि जदयू का ऑफिस है वहां 3 बजे से जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक के पहले जदयू के जितने बड़े बड़े दिग्गज और तमाम नेता हैं वो इस ऑफिस में पहुंचे हुए, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहुंचे हुए, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं और इतना ही नहीं बिहार सरकार से मंत्री संजय झा भी पहुंचे हुए हैं। तो देखिए हम आपको तस्वीरें सीधे कर्पूरी सभागार से दिखा रहे हैं और मीटिंग जो है वो 3 बजे से शुरू होने वाली है। इस मीटिंग में सुबह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे। 2024 और 2025 के चुनाव से पहले जो है कि रणनीति सेट की जाएगी, ये इस बात की रणनीति सेट की जाएगी कि जदयू किस प्रकार भाजपा के खिलाफ जो है चुनाव लड़ेगी और कुढ़नी में हुए उपचुनाव की हार की क्या वजह है इस पर भी पार्टी बैठक करेगी। तो चलिए इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।